अस्तिदेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्मूलके। जीव तत्व के विश्लेषण करते हुए कौन से गति के जीव कहाँ कहाँ पर रहते हैं इसका विश्लेषण चालू हो गया है। कल जो हुआ था तृतीय अध्याय में वह एक प्रकार से भूगोल के विषय में था, अब इसके उपरांत खगोल के विषय में चौथा अध्याय आता है। खगोल में आकाशीय वर्णन होता है, भूगोल का अर्थ पृथ्वी से संबंध रख जो होता है। मध्यलोक में रहने वाले जितने भी देव हैं और नीचे रहने वाले नारकी हैं ये सारे के सारे यहाँ तक आ गए। अब इससे ऊपर क्या होता है अथवा इससे संबंधित उपरी भाग में जो नारकियों के ऊपर है उसका ये कथन इस अध्याय में किया जा रहा है। नीचे सात राज्य प्रमाण बता दिया गया था, अब इसके उपरांत 1,00,000 युजन प्रमाण सुमेरु है उतने ही मध्यम लोक का वर्णन आता है और इसके उपरांत ऊर्ध लोक आता है। दोनों मिलाकर के 14 राज्य प्रमाण हो जाते हैं, इसका संक्षेप भी कर रहे हैं। देवास चतुर्निकाया, देव होते हैं चार निकाय मैंने चार समूह में बैठे हुए हैं, यानी चार प्रकार के समूह हैं, उसमें असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं। देव किसको बोलते हैं, शुभ नाम कर्म के उदय से और शुभ आयु कर्म के उदय से ये देव होते हैं। देव क्रीड़ायाम, देव हमेशा हमेशा क्रीड़ा में ही व्यस्त रहते हैं क्योंकि और कोई काम तो है ही नहीं, लोगों का घर बसाना है ही नहीं समझे, बच्चे संतान आदि होंगे नहीं और बस यही है, पति और पत्नी और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे, बस खेलते रहो जीवन पर्यंत और कुछ नहीं। उनको यहाँ तक कि वहाँ पर मन नहीं लगता है तो धरती पर पुनः और आगे खेलते हैं। हाँ वहाँ पर नदी नाले तो होते ही नहीं, यहाँ पर वो काफ़ी होता है, शायद वहाँ पर वर्षा भी नहीं होती होगी, यहाँ पर वर्षा के समय पर वर्षा सब कुछ रहता है, तो इसलिए एक देव क्रीड़ा में मगन रहने वाले भवनवासी वान गंतर और ज्योतिष और कल्पवा से आगे आने वाला है। आदि त्रिशु पीतांत लेशा, आदि के तीन निकायों में देवों में समूह में पीठ अंतिम रेशा है जिनका, उसको बोलते हैं आदि त्रिशु। आदि के तीन निकायों में पीठ रेशा है, इन्हें कहाँ से प्रारंभ करें, कृष्ण नील कापोत और पीठ अथवा शुक्ल पद्म और पीठ के लगा ले तो ये केवल तीन शुभ रेशा होंगी, लेकिन ये क्रम नहीं है। आदि तह सिद्धांत में रेशाओं के क्रम आदि वहाँ से माना जिसको कृष्ण रेशा बोलते हैं, कृष्ण रेशा नील रेशा कापोत रेशा और पीत रेशा अंतिम है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषकों में यह इससे स्पष्ट है, किंतु कुछ ग्रंथों में ये वर्णन आता है देवों में शुभ रेशा ही होती है, जब तक अपर्याप्त दशा रहती है तो उसमें कृष्ण नील कापोत की रेशा जुड़ जाते हैं, जो ही पर्याप्त होते हैं त्यों ही पीत रेशा ही उनको प्राप्त रहते हैं, ऐसा कथन है। किंतु तत्वा सूत्र और उसकी जितनी भी टीकाएँ हैं उनमें ये उल्लेख नहीं मिलता, दोनों मत ग्रहण करने योग्य। दशार्थ पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता
इन चार निकायों के संक्षेप से नामोल्लेख के साथ कह रहे हैं, 10 प्रकार के भोनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के ज्योतिष मंडल और 12 प्रकार के विकल्प वाले। कहा तक कल्पोपन्न, इन्हें कल्पों की जहाँ तक व्यवस्था है वहाँ तक यह नामोल्लेख कर रहे हैं। 12 प्रकार के कल्पवासी का अर्थ इंद्रों की मुख्यता से है, ये ध्यान में रखना। आगे जहाँ कहीं भी इसके सूत्र में आएंगे सौदर महिषान सानस कुमार आदि, तो उसमें यह सूत्र अच्छा काम करेगा। मतलब 12 ही कल्प होते हैं, ये इसका अर्थ होता है। कल्पवासी तो असंख्यात हैं, किंतु इंद्रों की गिनती 12 है, इस अपीशा से इसको कहा गया। इससे भी स्पष्ट ये होता है सौधर्म आदि को ही मुख्यता लेकर के आयु का निर्धारण कर लेते हैं, इससे फलितार्थ निकलता है, आगे बताएंगे। इतना रखना, कल्पवासी जो कल्पोपनवासी हैं वो 12 प्रकार के हैं, 12 इंद्रों के अपेक्षा से वही मान होते हैं। इंद्र सामान्य त्रायस्य पार्शलात्म रक्ष लोग पालानीक प्रकीर्ण का अभियोग किलविष्कास चैकशः। अब एक शहकार एक एक कल्प में ये 10-10 प्रकार की व्यवस्था है। जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है वो कल्पातीत कहलाते हैं, वही माने। किंतु 16 स्वर्ग तक ये 10-10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्थित वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी व्यवस्था है, जो असंख्यात देवी देवता रहते हैं। इंद्र का अर्थ मुखिया, जैसे आप माला में एक सुमेरु रहता है ना, है ना, 108 मणियाँ होती है माला में, उसमें एक बड़ी मणि होती है जो बीचों बीच में रहती है, उसी प्रकार वो मुखिया माना जाता है। इंद्र का अर्थ मुखिया होता है। सामान्य का अर्थ इंद्र के समान ही रहता है, किंतु ऐश्वर्य और आज्ञा ये दो जिसके पास नहीं रहते हैं वो सामान्य देव हैं, यानी एक प्रकार से बहुत अच्छे पोस्ट पर रहते हैं ये भी सामान्य देव। आयु है, उत्सेद है, परिवार है आदि आदि समानता को लिए हुए रहते हैं। रायसेन का अर्थ होता है मंत्री के, ये 30 यू होते हैं। पार्षद का होते हैं एक प्रकार से, अब पार्षद होते ना लोकसभा के पार्षद आदि, सांसद आदि, उस प्रकार परिषद सभासद जिसको बोलते हैं उसके अनुसार रहते हैं। आत्मरक्ष का अर्थ एक प्रकार से उसको क्या बोलते बॉडी गार्ड है, हाँ, मतलब इंग्लिश में आप लोग जल्दी समझ में आ जाते हैं, हिंदी तो है ही नहीं। अंगरक्षक, अंगरक्षक दक्षिण में पोशाक में पहनाव के लिए अंगरखा बोलते हैं, अंगरखा। अंगरखा अर्थ जो है ना कुर्ता पहन लो, ये समझे, भूषण आदि को अंगरखा बोलते हैं। अंगरखा में अंग की रक्षा होती है हवा से, धूप से, वर्षा से इत्यादि, जिसको अंगरखा बोलते हैं। अंगरक्षक आठवर्ष लोकपाल, इनको बोलते हैं एक प्रकार से कोषाध्यक्ष, कुबेर। अनेक अर्थ सेना है, सैनिक के काम में रूप में आ जाते हैं, वो अनेक कहलाते हैं। प्रकीर्ण का अर्थ पूर्वासी यत्र तत्र रहते हैं, वो सारे सारे प्रकीर्ण के रूप में आ जाते हैं। आवयोगी का अर्थ होता वाहन जाति के देव, वाहन बनना पड़ता है, है वो देव किंतु वाहन बनना पड़ता है। किलविष्क
यानी पाप से जो अतीत जीवन को व्यतीत किया था पापमय, इसलिए परिणाम स्वरूप ऐसा पद है कि वह हमेशा हमेशा इंद्र की सभा में प्रवेश तक नहीं कर पाते, बाहर ही रहेंगे चौपट के बाद वहाँ पर। ये दशा है उनके डोर कीपर जैसे, उसका तो फिर भी महत्व है लेकिन इनका बहुत यहीन महत्व रहता है, किंतु ये भी रहते वहीं पर। ये दस व्यवस्था में ये है, ध्यान रखना ये नहीं पदों के अनुसार ही, यहाँ पर जो कार्य करता देवायु का बंद करता वहाँ पर जहाँ कहीं भी जाएगा देव बच्चे में उसकी व्यवस्था होगी, सोच विचार कर लेना। एक अशह यानी प्रत्येक कल्प में ये व्यवस्था है दस प्रकार। रायश्रम से लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, हाँ ये विकल्प एक प्रकार से अपवाद है। जो मंत्री पद है और लोकपाल का अर्थ कोषाध्यक्ष है, ये दो पद दो व्यवस्थाएं व्यंतर और ज्योतिषकों में नहीं है ऐसा इसका अर्थ, बाकी सारे सारे आठ व्यवस्था वहां पर भी रहते हैं। पूर्व योद्राहा, पहले मैंने भवनवासी और व्यंतर इन दोनों में दो दो इंद्र हैं, दो दो इंद्र हैं, एक एक नहीं दो दो इंद्र, कौन से पूर्व और पूर्व में, पूर्व मैंने भवनवासी उसके साथ जो रहने वाला उसको भी पूर्व के रूप में गिन लो, तो व्यंतर इन दोनों में दो दो इंद्र हैं। ये बता दी व्यवस्था इनकी, अब आगे बताते हैं। कायक प्रविचारा आ ऐशा नाथ, ऐशान स्वर्ग तक यानी सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक, इसका अर्थ हो गया भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इनको भी नहीं लेना जो विचार निकाय है, वैमानिकों में भी सौधर्म और ऐशान तक। प्रविचार का अर्थ पीड़ा का प्रतिकार, एक प्रकार से वासना पीड़ाजनक होती है उसके प्रतिकार के लिए काय के निमित्त से ही प्रतिकार करने वाले सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के असंख्या जीवी देवता होते हैं। प्रविचार का अर्थ पीड़ा प्रतिकार, सुख नहीं काम, सुख नहीं होता काम, दुख होता है मान लिया जाता है, दुख का प्रतिकार होता है हाँ अब सुख है, बुखार उतर गया तो क्या होता है हाँ अब शांति है, अब बिल्कुल शांति है, शांति नहीं है बुखार उतर गया इतना ही, नहीं समझे, बुखार उतर गया अब भूख लग गया तो भूख की वेदना, तो ये हमेशा हमेशा प्रविचार का अर्थ पीड़ा का प्रतिकार करने में ही संसारी जीव लगे हुए हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, हाँ भोजन तो भोजन भूख लग गई तो क्या होता है पीड़ा नहीं होती, महारोग कहलाएगा महारोग, दूसरा और महारोग नहीं है, क्षुधा रोग निवारणा यार चढ़ाते हो नैवेद्य चढ़ाते काहे के लिए और ज्यादा भूख लगे, तो रईस जितने भी होते हैं वो ये कहते हैं क्यों ठीक है, अरे अच्छे मजा में हैं, आपको तो एक बार नहीं मिलता और हम तो तीन खाते ही रहते हैं, जिसका जितना खाते हैं उतने उनका रोग बड़ा है ऐसा समझ लेना, सुन रहे हो, हाँ जिसको जितना खाना पड़ेगा उतना उसका रोग बड़ा है, महारोग राज रोग है खाते ही रहो पर अच्छा ऐसा ना शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, जो शेष रह गए हैं कौन से कल्प, तो सानत कुमार
और महेंद्र में स्पर्श जन्य प्रविचार होता है, स्पर्श जन्य, और ब्रह्म प्रमोदर रांतर और काविष्ट ये चार दो युगलों में रूप को अवलोकन करके ही आपस में प्रविचार होता है। फिर इसके उपरांत शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार में शब्द गीत ध्वनि आदि आदि आभरण और आभूषणों के आवाज ध्वनियों के माध्यम से भी प्रविचार होता। मन आनंद प्राणद आरण और अच्युत इन चार स्वर्गों में इन दो युगलों में मन में ही एकमात्र स्मरण करके देवियां और देव दोनों में आपस में प्रविचार होता है। ये इसका स्पष्टीकरण है। ऊपर ऊपर जा रहे हैं स्वर्गों में, वहां पर यह प्रविचार कम होता चला गया है। वहां ज्यादा नहीं, प्रविचार कम होता चला जाता है। जैसे जैसे सुख की मात्रा बढ़ेगी तो दुख की मात्रा घटेगी। जो आपके साधन सामग्री है ये मात्रा कम हो तो सुख ज्यादा है, और सबसे ज्यादा आप लोग इकट्ठा करते रहते हैं, इसका अर्थ आपका दुख का कोई पार है ही नहीं, बड़ों का दुख का पार कोई है ही नहीं। नहीं समझे? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बहुत अच्छा, यहीं पर आता है, बाद में नहीं आता। परे प्रविचारा, आगे की स्वर्गों में स्वर्ग तो समाप्त हो गए। अब अहम इंद्रदेव होते हैं, ग्रहवीक है, अनुविष्ट है, अनुत्तर है, सर्वासिद्धि आदि आदि सब में अब प्रविचार में पीड़ा का पूर्णता अभाव है। पूर्णता अभाव का अर्थ ये है वहां पर वेदकरण की उदीर्णा अधिक है क्या? नहीं। तो आचार्य कहते हैं है तो, किंतु वहां असह्य नहीं है, सहन करेगा। अभी जो मान लो आपको असाता को उदय है तो वहां भूख लग रही है, नहीं सहन करने योग्य है। यदि भूख एकदम मिट जाए तो ठंडा हो जाएगा शरीर, गर्मी तो रहती है तो भूख की तो रहती है, लेकिन वह सही है, उसका प्रतिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आपके पास पुकारा है क्या? नहीं। कहाँ पुकारा है मेरा? हरारत का अनुभव ही नहीं होता, थोड़ा सा हरारत होने लग जाता है तो बुखार बढ़ जाता है, ये इसका अर्थ है। अनचन तो रहता ही है, वो रहना आवश्यक है, वो यदि नहीं रहेगा टाउन हो जाएगा तो आप बैठ नहीं सकोगे। हाँ बिल्कुल, उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। बुखार समाप्त हो गया, मुझे ठंडा हो गया, काम उठाओ, बिल्कुल ठंडा हो गया। हाँ पर ये प्रविचार कहीं कहीं पर सुना था, अब प्रविचार का अर्थ ईषत प्रविचार है, यानी सहन तो करते रहते, नहीं है तो फिर औदिक भाव ही कैसे? औदिक भाव कैसे? नहीं है तो, लेकिन उसको हम सहन करते, प्रतिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी मात्रा में कमी आ जाती है। भवनवासिनो सुरनाग सुपर्ण नहीं, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तरितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। ये भवनवासियों के नामोल्लेख किया, सुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिव कुमार, ये कुमार कुमार इसलिए रखा है खेल कूद में विशेष रूप से अपना समय खर्च करते हैं। व्यंतरा किन्नर किंपुच मुहूर्त गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। ये व्यंतर है, इनके आठ नाम है,
किन्नर किम्पुर्ष मोहरग बंदर यक्ष राक्षस भूत और पिशाच के नाम से जो अब ज्योतिष मंडल का जन्म ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सब ग्रह नक्षत्र प्रतिनिधि तार का हाँ ज्योतिष कौन है ज्योतिष ये एक प्रकार से मध्य लोक में ही रहते हैं पहले कह चुका हूँ वैमानिक मात्र ऊर्ध्व लोक में रहते हैं बाकी जितने भी हैं देव वो सारे सारे मध्य लोक में रहते हैं और एक प्रकार से सुमेरु के नीचे भी जिसको अधोलोक आप बोलते हैं वहाँ पर ही इनके भवन अधिक बने हुए हैं या तो 1000 के जो पट्टी है उसी में भवनालय आदि बने हुए ये मानना पड़ेगा लेकिन इसका कोई विशेष ज्ञान या बताने वाला ग्रंथ नहीं मिलता मिलता है तो उन्होंने भी यही कहा उसको हम अधोलोक के अंतर्गत ही मानते हैं ज्योतिष सर्वप्रथम कौन होता कहाँ से या ऊपर जाने के उपरांत बताते हैं सर्वप्रथम तारामंडल आता है 790 योजन ऊपर इस धरती से ये इसका अर्थ और सुमेर से हट करके 1121 योजन इसलिए हट करके सुमेर से हट करके फिर यहाँ से 790 योजन ऊपर जाइए तो वहाँ पर ये तारामंडल सर्वप्रथम मिल जाते फिर इसके उपरांत तारा के बाद चंद्र चंद्र आता है 80 नहीं पहले सूर्य आता हाँ पहले सूर्य आता 10 योजन फिर इसके उपरांत 80 योजन जाकर के चंद्रमंडल है फिर इसके उपरांत ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं जो कि 4 योजन प्रमाण फिर इसके उपरांत बुध आता है बुध आता है बुध ग्रह आता है वो ग्रह मंडल वह 4 योजन फिर बाद में शुक्र आता है भार्गव में शुक्र होता है वो 3 योजन ऊपर है फिर इसके उपरांत बृहस्पति यानी गुरु आता है गुरु ग्रह वह 3 योजन फिर इसके उपरांत उसके ऊपर 3 योजन जाने के उपरांत अंगारका में मंगल ग्रह आ जाते हैं फिर अंत में जाकर के 3 योजन वहाँ शनिश्चर यानी शनि ग्रह जिसको बोलते हैं वो आता है आप लोगों कहीं मेरे जो बोलते हैं ना वही इनको शनि लग गए बहुत दूर शनि ग्रह रहता है इतना कैसे पार करके आ गया वो आपके पास शनि ग्रह असाता है आपके पास शनि ग्रह एक प्रकार से वर्तमान का पाप है वर्तमान का आरंभ है वर्तमान का परिग्रह है इसके कारण भीतरी साता का असाता के रूप में परिणत कराने की क्षमता आ जाती है और असाता उदीर्ण हो जाती है तो ये सारे सारे बातें आप भूल जाते हैं इधर उधर भटकने लग जाते हैं महाराज आशीर्वाद दे तो वो कर दो ये कर दो मुख्य आप वो नहीं करते जो पाप से ऊपर उठना चाहिए ध्यान रखो मुनि महाराज को कोई शनि परेशानी में नहीं रखता स्वयं उसको शनि लग जाए तो कुछ नहीं क्योंकि परिग्रह और आरंभ जहाँ है वहीं पर जहाँ घर बस गया सारी सारी देवी देवताओं का ग्रह आ गए वहां पर इसकी विदा नहीं है बिल्कुल पक्का है यहाँ पर शोर सूतक ही नहीं काम करते फिर क्या करना बताओ कोई मोह नहीं परिग्रह नहीं आरंभ नहीं कोई नहीं परिवार अपना परिवार अलग है
हाँ बाधा भी तो है ही नहीं, आगम की अंधार बाधा है, बस इतना ही। उनका वो सिद्धांत है, अपना सिद्धांत अलग है। इसलिए पहले दिन ही कहा था कि भैया ये भूगोल और इतिहास एक प्रकार से वर्तमान पर्याय के अनुसार नहीं चलते, रखा नहीं, वो है अपने आप में। और सूर्य मंडल से भी बड़ी बड़ी तारा मंडल है, लेकिन वह दूरी होने के कारण छोटे दिखते हैं, और चंद्र सूर्य जो है बड़ा दिखता है। और इसका प्रताप इतना है, इसलिए तारा मंडल जो है ना उसके सामने दूरी के साथ उनकी कांति छुप जाती है, दिन में तो दिखते ही नहीं वो ऐसा। हाँ चंद्रमा ऊपर, आप जो ऐसा है कि जो परोक्ष ज्ञान का विषय होता है आप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कस करके देखना चाहेंगे तो आप इस वजह कस जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। ये एक आप लोगों का अनुमान, कई लोग वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं अभी गए हैं क्या नहीं गए हैं इसके बारे में संदेह है। अनेक विज्ञान कहते हैं तो वो गए हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, बस हाँ कहीं न कहीं किसी चट्टान पर उतर गए होंगे। हाँ मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, ये तारा इत्यादि जो ज्योतिष मंडल है मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। नित्य गतया हमेशा यहाँ के जितने भी हैं, जितने भी हैं उतने नहीं, यहाँ तो गति वाले यदि मंडल है ज्योतिष मंडल तो नित्य गति वाले होते हैं। कहाँ? नृलोक के मनुष्य लोक में। ये ध्यान रखना मेरु प्रदक्षिण का, प्रदक्षिण का अर्थ दाएं, मेरु को दाएं करके यूं परिक्रमा लगाते रहते हैं रात्रि। जैसे आप लोग मुनि महाराज आते हैं अथवा आप मंदिर के वेली के मंदिर की जो परिक्रमा लगाते हैं तो अपने दाएं हाथ को या सामने करके बाएं को नहीं, जिस परिक्रमा करते हैं परिक्रमा यूं नहीं करते, यूं करेंगे तो बाएं हाथ मंदिर की ओर हो जाता है। प्रदक्षिणा इसी को बोलते हैं परिक्रमा। चूंकि यहाँ पर जो तत्कृत काल विभाग है इस सूत्र में, ये यदि चलते नहीं गतिमान नहीं हो तो काल का विभाग नहीं होता। दिवार रात्रों दिन और रात पड़ते कैसे, सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के ऊपर आधारित है। दिन का अवसान हुआ तो रात आने वाली, और दिन का उदय हो गया तो सूर्य का उदय हो गया तो दिन प्रारंभ हो गया, ये इसका अर्थ है। इसीलिए इसी के द्वारा काल का विभाग होता है, और कोई काल वस्तु नहीं है। और कोई काल वस्तु नहीं का अर्थ है ये, इसी को हम काल के रूप में स्वीकारते हैं। तभी तो सूर्य तो हो गया, दिन आ गया, चलो उठो, तो काल के लिए नहीं कहा जा रहा, ये सूर्य के निमित्त से कहा जा रहा। बहिरावस्थता नृलोक से बाहर जितने भी तारा मंडल आदि है ज्योतिष मंडल अवस्थित है, इसका अर्थ क्या, वहां पर कोई भी गतिमान ज्योतिष मंडल नहीं है। यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे के सारे गतिमान ही, ऐसा नहीं कहा गया, किंतु यहाँ से बाहर जितने भी तारा मंडल आदि हैं वे स्थित ही हैं, उनमें से कोई भी चलने वाला नहीं है। यहाँ पर सारे सारे चलते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। वैमानिका बहिरावस्थिता, वैमानिक देव, अब देखो आ गया वैमानिक कौन, जो विमानी हवा वैमानिका, विमान का अर्थ होता है विशेष रूप से सम्मान के योग्य होते हैं।
ये सुकृति ने कहा है इनके पुण्य महा तेज रहता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि मर करके जाएगा देवों में तो वैमानिकों में ही जाएगा। सम्यक दृष्टि यदि है तो सारे सारे सम्यक दृष्टि वैमानिक में ही जाएंगे, किंतु सारे सारे वैमानिक सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं, किंतु विशेष जो पुण्य करता है वही व्यक्ति स्वर्गों में जाकर के जन्म लेता, नहीं तो भुराने वाले देव ही हो जाते हैं जो असुर कुमार आदि पौनवासी व्यंतर और ज्योतिष सब उसी में आ जाते हैं, ये वैमानिक कहलाते हैं। अथवा शुभ लेशा जहाँ पर रहती है उस अपेक्षा से भी इनको वैमानिक कहते हैं। अथवा दूसरा एक और हेतु, 63 शला का पुरुष जहाँ पर इस समय निवान है तो उसी समय ये वैमानिक देवों का आना जाना होता रहता है, ये प्रतिष्ठा पात्र देव होते हैं, नहीं समझे झगड़ालू नहीं होते, ऐसा नहीं कि विश्राजी बन गए, किंतु तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में ये वैमानिकों की मुख्य भूमिका रहते हैं, बाकी जितने भी हैं उनके साथ परिवार के देव माने जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये वैमानिक इसलिए होते हैं इन्हीं में से तीर्थंकर आदि जन्म ले सकते हैं, इन्हीं में से चक्रवर्ती आदि होंगे, इन्हीं में से बलदेव आदि होंगे, इन्हीं में से नारायण पृथ्वी नारायण आदि होंगे, इन्हीं में से महापुरुष होंगे और भवनत्रिक इत्यादि में आकर के नहीं होंगे, हाँ इसीलिए भी ये वैमानिक कहलाते हैं। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, ये वैमानिकों के दो भेद हैं। कल्पोपन्न का अर्थ जो व्यवस्था 10 प्रकार की बताई वह व्यवस्था जहाँ पर हो उनको कल्पोपन्न बोलते हैं। कल्पातीत का अर्थ होता है जहाँ पर 10 प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, किंतु वैमानिक भी यही रहते हैं, किंतु कल्पातीत जो होते हैं वे अहमिंद्र होते हैं। 10 प्रकार की व्यवस्था यदि नहीं है तो अव्यवस्थित होते हुए नहीं, बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये समझिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है ऐसे पूछते हैं फोन के ऊपर आप लोग, आप व्यवस्थित होकर के आ जाइए बहुत आनंद आएगा। कुछ और व्यवस्थित साथ व्यवस्था लेकर के आओगे तो धन्यवाद, अव्यवस्थित होकर के आओगे तो व्यवस्थित बैठे उनको भी अव्यवस्थित कर दोगे, इसलिए मेहरबानी होगी। ऊपर ही ऊपर ही है, ये ऊपर ऊपर हैं, नहीं समझे ये त्रियक नहीं है किंतु ऊपर ऊपर हैं। ऊपर ऊपर मतलब जैसे उंगलियां हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होते हुए चले गए हैं। अब ऊपर ऊपर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये बता देते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर रांतव कापिष्ट शुक्र महा शुक्र शतार सहस्रादि प्राणत प्राणत योर रारणाजित योर नम सुग्रीवी केशु विजय वेजेंत जयंता प्राचेशु सर्वार्थ सिद्धौ च। सुमेरु पर्वत है मध्यलोक में है, 1,00,000 योजन प्रमाण ऊंचा है, 40 योजन प्रमाण उसकी चूड़ी का है, इसके उपरांत 1 बाल मात्र रखो तो फिर बाद में वहाँ से ऊर्जलोक प्रारंभ हो गया। ये ऊर्जलोक की परिसीमा है मध्यलोक अथवा सुमेरु की छोटी, 1 बाल का ही अंतर है, अंतर नहीं है ऐसा नहीं है, 1 बाल इसके उपरांत वह चालू होता।
ऊपर ऊपर अब चले जाइए, वहाँ से बहुत लाखों योजन जाकर के सनत कुमार और महेंद्र ये कल्प है, वहाँ से लाखों योजन जाकर के फिर ऊपर के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर है, फिर वहाँ से लाखों योजन जाकर के लांतव और कापिस्थ है, उसी प्रकार लाखों योजन जाकर के शुक्र और महाशुक्र है, फिर इसके उपरांत लाखों योजन जाकर के शतार और सहस्रार्थ है, फिर इसके उपरांत लाखों योजन जाकर के आनंद और प्राणत है, फिर इसके उपरांत और एक कल जाकर के लाखों योजन आरण और अच्युत है। यह सब जो है एक प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ या त्रिलोकपंथ के अनुसार छह राज्यों में यह सब स्वर्ग वहां तक आ जाते हैं। जो एक एक राजू इत्यादि जो बताते हैं वह सर्वासिद्धि में राजवार्तिक में और भी टीकाएं तत्वासूत्र उसमें पाया नहीं जाता, उसमें तो केवल लाखों योजन इसी प्रकार ऊपर जाकर के ये व्यवस्था बताए। स्वर्ग के उपरांत नव ग्रैवीक हैं, नव ग्रैवीक कैसे हैं तो तीन तीन के एक 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 कल्प जैसे हैं, जैसे ये तीन उंगलियां हैं आपके कनिष्ठा को छोड़कर के तर्जनी से लेकर के अंगूठा और छोटी इन दोनों को बंद कर दो और ये तीन हो गए, इसी प्रकार तीन तीन के ग्रैवीक बने हुए हैं, नीचे के अधोमुख संबंधी ये तीन, फिर मध्यलोक के भी तीन, फिर इसके उपरांत और तीन, इस प्रकार ही है ऊपर ऊपर तीन तीन करके चले गए हैं। नवग्रहवी के उपरांत एक और जाओ तो इसके उपरांत वहां पर अनुदिश की कल्पना है, अनुदिश का अर्थ आठ दिशाएं हैं और बीचों बीच में एक मुख्य इंद्रक है, ये नौ अनुदिश कहलाते हैं। फिर इसके उपरांत अपराजित आदि पांच हैं, तो अनुदिश के बाद ऊपर कुछ जा करके वहाँ पर चार दिशाओं में अपराजिता दिख रहे, बीचों बीच में सर्वार सिद्धि है, यह अंतिम विमान कहलाता है। इसी प्रकार इन लोगों ने यहाँ पर विभक्तियों के विभाजन करके भिन्न भिन्न रूप से व्यवस्था को बताने के लिए ऊपरी व्यवस्था इस सूत्र के द्वारा वह करते हैं, संकेत देते हैं। सहस्रारेषु इस प्रकार जो कहा है यहाँ पर बारहवें स्वर्ग पर, तो उनका यही कहना है वहाँ पर के बाद जो व्यवस्था है विशेष स्थान पर हम उल्लेखित करेंगे। घाटायुष्कादि का प्रकरण आता है, वह प्रकरण यहीं तक रहता है, बाद में साधिक तीन से सात अधिक ये जो बताते आएंगे ना वो इसी के लिए रखा गया है। और उत्कृष्ट आयु इत्यादि के अपेक्षा से भी सर्वार सिद्धि को अलग रूप से रखा, अथवा सर्वार सिद्धि में जो विभक्ति का विभाजन इसलिए किया है वहाँ पर संख्यात ही देव है, असंख्यात नहीं है, और वे एक ही भाव में निश्चित रूप से जाएंगे आदि आदि। स्थिति प्रभाव सुखदित रेशा विशुद्धींद्रियावधि विशेषोधिका ये ऊपर ऊपर के देवों में स्थितियां क्या होती हैं ये बताएंगे। स्थिति का अर्थ उम्र है, ये प्रभाव का अर्थ होता है शाप और अनुग्रह करने की क्षमता का नाम प्रभाव है, यानी कोई देव शाप भी देते हैं तो देते हैं तब देते हैं जब आपकी आशाता की उधीर ना हो, जब देव अनुग्रह करते हैं तो तब करते हैं जब आपका साता का उदय हो,
अन्यथा उनका अनुग्रह भी और प्रभाव कोई भी पड़ेगा नहीं। सुख का अर्थ पंचेंद्रिय का जो पदार्थों का उपभोग है उसका नाम अनुभव है। ये ऊपर ऊपर ज्यादा सुख है, ध्यान रखना। द्वितीय का अर्थ होता है कांति, शरीर की कांति, वाहनों की कांति, विमानों की कांति और कपड़े लेने वालों की कांति आदि आदि सारी सारी जो साधन सामग्री वहाँ पर विलासता की है उन सब कांति में अंतर है। आप लोगों के यहाँ कार खरीदते हैं ना, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं तो कार की कांति भी अलग अलग रहती है, नहीं बताओ? सब लोगों ने कपड़े पहने तो कपड़े में देखो ना कैसे कांति रहती, चमकते रहते। इसका नाम शरीर में भी इसी प्रकार हो, लेशा विशुद्धि, ऊपर ऊपर की देवों में जो लेशा होती है वह विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम होती हुई चली जाती है। कामों की भी अलग पीतान की भी बहुत सारी क्वालिटी रहेंगे, जगन से लेकर के उत्कृष्ट तक। कपड़े वगैरह जो आप खरीदने के लिए जाते हैं होते हुए भी उसमें अलग अलग क्वालिटी रहती है, रेशाओं में भी इसी प्रकार ऊपर तक चली जाती है। इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय रहता है, क्यों नहीं रहता? हाँ, परिग्रह रहता है, मात्रा कम रहती है ऊपर ऊपर। अभी यहाँ सारे सारे आप घर घर के जो है जमीन जायदाद वगैरह लेकर के आए हो यहाँ पर, है ना? उसी प्रकार वो भी है, प्रवास में है, बहुत कम वस्तु रहती है लेकिन सुख समृद्धि बहुत अलग क्वालिटी का रहता है। इंद्रियों के विषय भी इनके ऊपर ऊपर बहुत रहते हैं और अवधि ज्ञान का विषय भी बहुत रहते हैं। इस प्रकार ये अधिकता की अपेक्षा से ये कथन हुआ। अगला सूत्र जो होता है बहुत कम होते गए, क्या क्या कमी है बता दो। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, गति आवागमन आना जाना ऊपर ऊपर के सर्गों में कम आना वाना होता है, किंतु यहाँ पर स्थिति ऐसी है जितने बड़े लोग हैं घर में कम बाहर ही ज्यादा रहते हैं, फाइव स्टार। क्या है तो अब जो है भोजन पानी के लिए भी बाहर से ही आने लगा, गति विचित्र गति है ये, घर का कोई नहीं खाएगा क्योंकि गति है उसमें, थालियां आ जाती है उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी समझते हो, होटल की जो तस्तरी है वो घर में आती है। हाँ, पानी भी आने लगा विदेश से, क्या है ये पता, बॉटल भी क्या है, रिसाइकल वाली है क्या पता, लेकिन ऐसे ही चलेगा। हाँ समाधान ऑनलाइन, पैसे चाहिए बस सब हो जाता। तो ये क्या है, ये गलत हो रहा है, ध्यान रखना। आपके जितने भी बच्चे बिगड़ने में कारण यही है, घर का ही भोजन पानी आदि आदि व्यवस्थित रहना चाहिए, नहीं होता। पंचवाणी में सुन रहे हैं समृद्ध प्रदेश माने जाते थे भारत के, और वहाँ पर ड्रग्स वगैरह इत्यादि के माध्यम से युवा शक्ति बिल्कुल फिटती चली जा रही है, हाँ, और रोग होते चले जा रहे हैं, खर्चा जो है अनपसनाव करते चले जा रहे हैं, वो बहुत बिगड़ गया है ये। इसलिए वैभव का उपभोग भी बहुत ही स्वस्थ होकर के करना चाहिए, अन्यथा वो दुख का ही कारण है। पैसा ज़्यादा बढ़ गए इसका अर्थ ये नहीं कि आप बढ़ गए, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, बोले होते चले जा रहे हैं। सोच लो, गति ये हो गया, शरीर उत्सेन का नाम है, सौंदर्य और ईशान सर्वों के जो देव हैं उनके शरीर के बारे में उत्सेन बताया, साथ हाथ, हाँ साथ हाथ सौंदर्य ईशान, सानंद कुमार महेंद्र छह हाथ, ब्रह्मोत्तर
लांदव और काविष्ठ का पांच हाथ, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार का चार हाथ, आनंद प्राणद योग साढ़े तीन, फिर इसके उपरांत आरण अच्युत योग, इसमें तीन नीचे द्रव्यिक में ढाई, बीच के द्रव्यिक में दो और अंतिम द्रव्यिक और अनुदिश में डेढ़ और पंच अनुत्तरों में एक हाथ प्रमाण इनका शरीर होता गया है। आहार शरीर का भी उत्सेद उन्होंने रत्नी प्रमाण बताया और सर्वार सिद्धि और अपराजित इत्यादि में भी एक हाथ के प्रमाण ही शरीर है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति यदि है तो उन्हीं के पास है। परम परम सूक्ष्म कहा ना, ऐसा ही कहा। तो वो मुनि महाराज किसी भी प्रकार से बाधा को प्राप्त होते नहीं, कोई भी उनसे भिड़ ही नहीं सकता, टकरा ही नहीं सकता, ऐसी यह क्षमता रहती है उनके पास। यह शरीर और अंगोपांग नाम करके उदय है। परिग्रह, परिग्रह ऊपर कम है, परिग्रह का अर्थ मूर्छा कम है, संतोष होता जाता है, शांति मिलती आती है और चीज बहुत अच्छी प्योर मिलती जाती है। अभिमान भी कम, क्या सुन रहे हो? हाँ, या नहीं समझे? अभिमान का प्रदर्शन नहीं होता देवों में, ऊपर ऊपर के देवों में अभिमान है ही नहीं, ऐसा होता। मान सम्मान तो उनका अन्य देवों के द्वारा बढ़ता जाता है, लेकिन उनमें अभिमान छूटता ही नहीं। छोड़ दो यहीं पर, सब मन सम्मान यदि चाहते हैं तो छोड़ना चाहिए। ये महाराज बीमारी छूटती नहीं है, सम्मान के लिए करते हैं। तो मान की लोभ है तो आप लोभ को कैसे छोड़ोगे बताओ? लोभ पाप का बाप है, बाप का बाप है, हाँ, ये है। इसलिए बीमारियों को समझो, एक्सरे में वो नहीं आता, सिटी स्कैन में नहीं आता, एमआरआई में नहीं आता, और यंत्र बढ़ती चली जा रही हैं, रोग फिर भी अदृश्य जैसे हो रहे हैं और घेरते चले जाते हैं, एकदम आकस्मिक घोषित हो जाता है कि भैया आपको ये है, अब क्या करना? होने दो, शरीर में है, आत्मा में नहीं है, बैठते नहीं, कोई भी नहीं बैठता, चलो घूमते, बिल्कुल बॉम्बे वाले कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे, यहाँ वाले बॉम्बे जाएंगे, स्थिति बहुत खराब है। अब तो भोजन कम, दवाई ज्यादा हो गई और बहुत कीमती, सुनते हैं एक एक लाख रुपए में एक एक इंजेक्शन आता है, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, रोग भी ढूंढ ढांड करके जाता है, कहां पर जाऊं, व्यवस्था मेरी कहां पर अच्छी होगी, 7 लाख का है, बहुत अच्छा, यहाँ पर बोलियां तो 11 लाख ले लेते और वहां पर एक ही सेकंड में लगा हुआ देते, क्या ये तो बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट तो लगता है तो अपने हाथ से लगाते हैं, हाँ, तब कहीं जाकर के मन शुद्धि वचन शुद्धि आहार शुद्धि होता है, नहीं तो उठ नहीं सकते आप, आहार लेना हो पहले इंजेक्शन लगाओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोली में आप ताली नहीं बजवाते हैं ना, इसलिए तुम बज गए, मैं बजाने के लिए नहीं कह रहा था, आप ताली तो बजाओ ताकि इनका उत्साह बढ़ जाए, हाँ ये होता है, मतलब वो भी ताली के भूखे रहते हैं, ये है ताली, चमत्कार है तालियों में भूख मिटाने की, ये हो गया। अभिमान तो हीना पीठ पद्म शुक्ल रेशा भीतरी शेषेशु, पीठ रेशा दो दो
कल्पों में, तीन कल्पों में और शेष कल्पों में क्रमशः बीज रेशा, पद्म रेशा और शुक्ल रेशा का होना होता है। यानी इन देवों में, इन कल्पों में इस प्रकार रेशाओं का होते क्रम होता है। प्राग्रेवी के व्यह कल्पाः। अब आचार्य कहते हैं यह 16 सर्ग तक तो वैमानिक कल्पोपन्न कहलाते हैं, फिर इसके उपरांत ग्रेविक अधिक होते हैं, वे भी कल्प कहलाते हैं। कल्प कहते हुए भी नहीं, कल्प नहीं, वो वैमानिक कहलाते हैं, किंतु वहाँ कल्पों की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक कल्पों की व्यवस्था है तो प्राग ग्रेवी के व्यह, प्राग अर्थ ग्रेवी कोण को छोड़ करके नीचे तक की यह व्यवस्था है। जहाँ कहीं भी प्राग लगता है वह निषेध के लिए आता है। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, बीच में इन 16 सर्गों में एक व्यवस्था ये भी है। ब्रह्मलोक यह पंचम स्वर्ग माना जाता है, वहाँ पर जिनके आवास हैं, आलय हैं, रहने के स्थान हैं, उनको लोकांतिक बोलते हैं, अथवा लोक मिली संसार, जिनका संसार अब अंत को प्राप्त हो गया, ऐसा एक ही भवावतार जी होते हैं, उनका नाम लोकांतिक ऐसा कहा जाता है। ये एक प्रकार से ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, देवों में भी ऋषि के समान होते हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। अहमिंद्र को किसी ने भी देवर्षि नहीं कहा, ये समझे अहमिंद्र जितने भी हैं वो सारे के सारे विवाहित नहीं रहते हैं, वह अकेले रहते हैं, देवियों से बिल्कुल दूर रहते हैं, फिर भी उनको देवर्षि नहीं कहा, किंतु लोकांतिक इनको देवर्षि कहा, क्योंकि एक ही भव के बाद ये ऋषि बन करके निश्चित रूप से मुक्त होंगे। जैसे सर्वासिद्धियों के लिए एक ही भव कहा है, किंतु इनके लिए देवर्षि क्यों कहा, इसलिए कि यहाँ पर देवियों का जीवन की व्यवस्था होते हुए भी ये उन देवियों से दूर रहते हैं, उनके यहाँ देवियाँ पहुँचते ही नहीं हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब ये सब बाल ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ पर, इस ब्रह्मलोक में रह करके भी इनकी व्यवस्था वहाँ पर है। ये द्वादशांग की पाठी होते हैं, ये शुक्ल निशा वाले होते हैं, यद्यपि वहाँ पर पद्म निशा का प्रसंग है, फिर भी शुक्ल निशा के धारक हैं, द्वादशांग की पाठी हैं, केवल 12 भावनाओं का चिंतन चलता रहता है। राजा राणा सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्तोय तुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च, ये 8 दिशाओं में सारस्वत कहाँ पर रहते हैं, सारस्वत ईशान दिशा में, आदित्य पूर्व दिशा में, वन्य ये अग्नि दिशा में, अरुण ये दक्षिण दिशा में, गर्तोय नैऋत्य दिशा में, तुषित ये पश्चिम दिशा में, अव्याबाद ये वायु दिशा में, और अरिष्ट यह उत्तर दिशा में। इस प्रकार ये 8 दिशा हो गए, इनमें 6 के द्वारा पुनः दोनों के बीच में दो और विकल्प हैं, सारस्वत आदित्य के बीच में और दो ऐसे विकल्प, इस प्रकार 24 प्रकार हो जाते हैं, ये लाखों में एक जैसे रहते हैं, इनकी गिनती लाखों की है, और ये समान ही उससे वाले, समान ही आयु वाले, समान ही शुद्ध ज्ञान वाले, समान ही सारे सारे नेशा समान, सब समानता है, एक ही भावादारी होते हैं। प्रतिष्ठा कल्याण होता है ना, उस समय जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता उसी समय ये आते हैं, दृश्य बहुत मनोहर रहता है, हम उसी को देखते हैं। आप ब्रह्म
ये कौन नीलांजन नृत्य देवते हैं इनको देख, दोनों को एक साथ लाया जाता है। अभिमान विजयादि से विचरमा, यह विजयानिक में विजय मैंने एक प्रकार से चारों दिशा में चार ये अपराजिताधिक है, ये इनमें सर्वसिद्धि के पीछे से ये द्विचर्मा है, इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है एक चर्म वाले लोकांतिक होते हैं। सर्वसिद्धि के लिए भी उन्होंने एक चर्म कहा तो बाद में कहेंगे, लेकिन यहीं पर पहले कहा ये द्विचर्मा है तो इससे पहले लोकांतिक को बता करके आए, वो एक चर्म वाले भी वो भी होते, वो ही होते पहले। द्विचर्म का अर्थ ये होता है, चरम का अर्थ अंतिम, अंतिम मनुष्य शरीर कितने होते हैं तो दो होते हैं, एक अपराजित में जन्म ले लिया, वहां से व्यक्ति नीचे आ गया, पुनः यहां से अपने आयु को पूर्ण करी दीक्षित होकर पुनः उसी में जन्म लेगा और मनुष्य होगा, तो दो बार मनुष्य देगा वो मनुष्य शरीर को, इसको बोलते हैं अपराजिता। ये नहीं कहना विजयादिक में पांचों को ले लेना चाहिए सर्वसिद्धि, इसलिए सर्वसिद्धि या विभक्ति जो तोड़ी गई है वह चार के लिए विधान करता है, पांचवे के लिए नहीं। औपाधिक मनुष्य शास्त्र क्यों नहीं है, उपार्जन वाले और मनुष्य ये इनको छोड़ करके शेष जितने भी है हिर्यंच हैं, क्योंकि पहले जो कहा गया था कि मनुष्य कहाँ रहते हैं, मध्यलोक में रहते हैं, इंद्रलोक में रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं तो ऊपर रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं तो नीचे रहते हैं, तिरेंच कहाँ रहते हैं, इन तीनों को छोड़ करके जो कोई विस्तार बच गया उन सब में राज्य त्रियंचों का यहाँ है, लोक में सबसे ज्यादा अनंत वही है, सर्वत्र है ये, इसलिए ये एक ही सूत्र में थोड़े में बता दिया। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषा नाम सागरों को मुत्री पद्यों को मार नहीं निमिता, स्थिति स्थिति का उम्र आयु इनके असुरों के एक सागरूपम, नाग कुमारों के तीन पद्यूपम, सुपर्ण कुमारों के ढाई पद्यूपम, दीप कुमारों के दो पद्यूपम और शेष जितने भी रह गए कुमार उन सारे सर के डेढ़ पद्यूपम प्रमाण माना गया। मिता है नहीं है ये मिता, मिता हाँ ऐसा भी नहीं कहा मिता, क्यों एक वचन जो स्थिति है उसका ये विशेषण है, मिता का अर्थ अनुमिता, मिता का अर्थ अनुमित है अथवा हीनम इता, पल्लोपम अर्थ हीनम इता, हीनम इसको विभाजन कर लेना तब ये अर्थ निकलेगा। ये ध्यान रखना कि किसकी आयु है, बहुनवासी इत्यादि की बताई जा रही है, तो बहुनवासियों की बताई जा रही है, लेकिन यह उत्कृष्ट है यह इसमें प्रकरण नहीं आता, ध्यान रखना इसकी उत्कृष्ट है ये यद्यपि, किंतु अपराधो बता दी जाएगी उसके माध्यम से यह पढ़ा है ऐसे सिद्ध होगा। इसी प्रकार देवों में सौधर्मादिक में भी कहीं भी उत्कृष्ट थी ये है ऐसा नहीं कहा, किंतु अपराध कहने से पूर्व के जितने भी जो प्ररूपना है स्थिति संबंधी वो सब परा के लिए सिद्ध हो जाएंगे, ये एक नया विषय है।
यहाँ पर देखोगे इनकी उत्कृष्ट स्थिति किसकी है, सौदर्य और एहसान की क्या है, ढाए क्या है, ये ढाए यह परा है, किंतु परा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया, न ही भवनवासियों में, न व्यंतरों में, न ज्योतिषकों में और न ही कल्पवासियों में कहीं परा का उद्गम नहीं आएगा। ये मिता जो शब्द है यह अनमिता अथवा इता प्राप्ता इत्यर्थ, इसका अर्थ होता है प्राप्ता, इसकी कोई भी व्याख्या ही नहीं की गई किसी भी ठेको में। नहीं, जिस क्रम से उन्होंने दिया है, जिसकी कितनी कितनी है ये बताना उनको इष्ट था। हाँ, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं हुआ, इसलिए ये इसके बाद जो बीच में हम वैमानिकों को लेंगे, फिर बाद में इसके माध्यम से उन दोनों को भी ला करके रख देंगे, इसलिए उन्होंने व्युत्क्रम करके बीच में वो वैमानिकों ले आएंगे, इसको तो बता दिया बीच में वैमानिकों को ले आएंगे, फिर बाद में जो है गंतर और ज्योतिषकों को माध्यम से ले करके बीच में और कोई भवनवासियों का जगन्या इत्यादि है उसके माध्यम से बता देंगे, एकाध को उत्कृष्ट के रूप में भी बता देंगे, ये सारा सारा वहीं पर बहुत अल्प मात्रा में बताते चले जाएंगे एक एक सूत्र बताते हुए। बहुत अच्छा अपनाया, लेकिन मिताए शब्द के है, इता शब्द है और इसमें विसर्ग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक वचनांत है ये। स्थिति, स्थिति इसका विशेषण है किता, मिता शब्द ने, और इताहा शब्द भी नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या कहीं भी टीका नहीं की गई। सौधर्म ईशान यो सागरूप में ढिके, सौधर्म और ईशान सर्गों के अथवा सौधर्म और ईशान, सौधर्म और ईशान जो इंद्र है उनकी है ये, सागरों को में दो सागर कुछ अधिक है, अधिक के लिए माना जाता है आधी सागर, आधा सागर माना जाता है साध के। सानत कुमार महेंद्र यो शब्द, सानत कुमार और महेंद्र इनमें अथवा इनके सात सागरूपम कुछ अधिक है। त्रिशत नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकान, आगे आगे कैसे कहेंगे, ये सात को जोड़ना है अब तीन से, तो साधिक तीन से अधिक सात सागरूपम, साधिक तीन से अधिक सात सागर, सात से अधिक सात सागरूपम, साधिक सात से अधिक नौ सागरूपम, साधिक सात से अधिक ग्यारह सागरूपम, अब साधिक ने तेरह सागरूपम से अधिक सात सागरूपम और पंद्रह सागर से अधिक सात सागरूपम, इस प्रकार यह है इनका क्रमशः सोलह सर्ग तक के लिए ये इन्होंने बांध दिया है, किंतु ये उत्कृष्ट है ये नहीं कहा इस सूत्र में भी, ध्यान रखना ये टू जो आया है ये टू घाटायुष की अपेक्षा से आया है, इसलिए साधिक की अनुवृत्ति यह बारहवें सर्ग तक ले जाना चाहिए, ये इसका संकेत है। इसीलिए और जो बड़ा सूत्र आया था सौधर्म ईशान सारंग कुमार आदि, तो वह बारहवें सर्ग तक जाकर के टूट जाता है, क्योंकि वहीं तक साधिक की अनुवृत्ति होती जो घाटा ऋषि का प्रतीक है, टू में बहुत दम है। सर्वात
हम देखो आरण और अच्युत इन स्वर्गों में, उन्हें आरण और अच्युत इन्हें अंतिम स्वर्ग से लेकर के उस महीने ऊपर 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 लगा एक एक न एक 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 सागर बढ़ाते चले जाइए, नमक द्रव्यक में भी बढ़ाइए एक ही मात्र। ऐसा नहीं कि नौ ग्रह में नौ बना दो, नहीं एक ग्रेविकों में विद्यालिकों में भी एक बढ़ा देना। आदि का अर्थ क्या हो गया, विद्यालिक में 33 हो जाएंगे लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में तो 33 ही है सिद्ध होता। अब देखो 16-22 के बाद बढ़ाना प्रारंभ कर दो, एक एक नौ बना दो तो कितने हो गए 31 सागरोपम ग्रेविक में अंतिम ग्रेविक में हो जाएगी। फिर अनुदिशों में एक बढ़ा दो तो 32 हो जाएगी। फिर इसके उपरांत विज्ञानिक में बढ़ा दो तो 33 होंगे, सर्वा सिद्धि में 33 ही रहते। इसका अर्थ है विज्ञानिक में कम भी रहता तो एक समय कम, 33 सागर की भी उम्र मिलती है, क्योंकि एक बार 33 मिलेगी तो दोबारा 33 नहीं मिलेगी। बी चरमा में जो कहा है उसमें दो बार यदि जन्म लेते तो एक बार 33 मिलेंगे और एक बार एक समय कम मिलेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट आयु देवायु एक ही बार मिलती है। अब आ गए देखो अपरा पल्लोपम मधिकम, इस सूत्र के द्वारा ये सारे सारे जितने सूत्रों में स्थितियां बता दी गई है वे परा इत्यर्थ उत्कृष्ट है ऐसा। कल देखने ये लगा इन तो परा तो लिखा नहीं, फिर कहाँ से परा लाए जाए अपरा से, तो ये है परा शुक्त करते अपरा, यहाँ से अपरा मैंने जहाँ अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं है इसका नाम अपरा है। पल्लोपम अधिकम सौधरम्रवशान में कुछ अधिक पल्लोपम पल्लोपम आयु, यह जगन्य नहीं कह रहा है ये ध्यान रखना, अपरा है क्योंकि अवरा कहते हैं तो जगन्य होते, क्योंकि देवों में जगन्य आयु 10,000 है, नागियों में भी 10,000 जगन्य है, किंतु अपरा जो आती है वह अनुत्कृष्टता के अपेक्षा से आती है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा आगे आगे पूर्व पूर्व की जो अंतर के बिना होती वह परा में उत्कृष्ट ही अपरा हो जाती है, ये इसका अर्थ निकालना चाहिए। हिंदीकारों ने जो किया है उसमें थोड़े से बहुत अनंतरा के साथ विपसास भी निकाला, अनंतर अनंतर की जघन्य होती है, ऐसा जो इन्होंने हिंदीकारों ने किया वो ठीक नहीं बैठता, क्योंकि अनंतरा के साथ विपसास वाले कोई संकेत नहीं मिलता। परतः परतः इसके साथ तो विपसार्थ है किंतु पूर्व पूर्व के साथ भी विपसार्थ है किंतु अनंतरा एकमात्र एक ही वचन में है, इसलिए उसके साथ विपसार्थ नहीं निकालना चाहिए। अनंतर अनंतर ये ऐसा नहीं, बिना अंतर वाली पूर्व पूर्व की आगे आगे अपरा परा अभी अपरा बहुत है, अपरा ऊपर से ले लो वह अपरा का विशेषण है, अनंतरा सांतरा न उसमें गैप नहीं छोड़ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लगाते लगाना, ये अर्थ निकालना चाहिए। ये हिंदीकारों ने यह ठीक नहीं लगता हमारे विचार से, क्योंकि उसमें इन्होंने जो अनुवृत्ति दो बार ली है वो किसी आधार पर नहीं लिया, अनंतरा के साथ विपसार्थ के लिए दोबारा अनंतरा अनंतरा ऐसा लिखा नहीं गया, जबकि इन्होंने हिंदी में अनंतरा अनंतरा लिख दिया। ये अनंतरा का जगन्य का विशेषण नहीं है,
किंतु यह सांतरा न इसके लिए कहने के लिए आया है, अनंतर का बात का नहीं है ये, अंतर नहीं, अंतर रहित जो होती है उसका नाम अनंतरा कहा है, और यह विशेषण अपरा के विशेषण के लिए आया है। नीचे अपरा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि वह संकेत उसी को देकर के नीचे आ रहे हैं, इसलिए परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारका नाम च द्वितीय आदिशु। इसी प्रकार आगे आगे पूर्व पूर्व की जो परा उत्कृष्ट स्थिति थी वह द्वितीयादी पृथ्वियों में चली गई है, द्वितीयादी पृथ्वियों में यहां से लेकर के चलना दस वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। महाराज नीचे नीचे के लिए तो आपने कह दिया ठीक है, ये प्रथम पृथ्वी की क्या है ये तो बताते हैं, अपरा 10,000 वर्ष प्रमाण है। भवनीश अब जब आ गया, अब संक्षेप से करते हैं सारे सारे, अब क्रम भंग इसलिए करना पड़ा था उनको। भवनीश भवनवासियों में भी अपना जो है जगन जो है 10,000 वर्ष है, व्यंतराणाम च व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष है अपरा, किंतु व्यंतरों की आपने उत्कट तो नहीं बताई थी, पर आप अल्लुकम असिकम व्यंतरों में उत्कृष्ट जो स्थिति है कुछ अधिक पल्लुकम प्रमाण है। ज्योतिष का नाम च ज्योतिषकों में भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक पल्लुकम है। तदस्थ भागो परा ज्योतिषकों में जघन्य जो है वह जितना पल्लुकम कुछ अधिक पल्लुकम बताया उसका 8वां भाग है। टीकाकारों ने इसके लिए अधिक के लिए कुछ भाग नहीं किए, जो उत्कृष्ट है उसका 8वां भाग अपरा मिले जगन्य है ऐसा बताना आवश्यक था, अधिक का भी 8वां भाग होता है। यानी मान लो 10,000 वर्ष भी है तो 10,000 वर्ष का, या 16,000 है तो उसका 8वां भाग 2,000 वर्ष होते हैं, इसलिए 8वां भाग अधिक होना चाहिए। तो टीकाओं में इसका अधिक का भाग नहीं किया, करना चाहिए, वसूल करो है? हाँ ब्याज कभी ब्याज होता है क्या बात हो। लोकांतिका नाम अष्टौ सागर भगवान सर्वेशम, सर्वेशम का अर्थ ये है सभी जितने भी लोकांतिक हैं 24 प्रकार 24 स्थान में वो सारे सारे के सागरोपमाने 8 सागरोपम प्रमाण लोकांतिकों के। इस प्रकार यह 14वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब देखो हमारे पास समय कम है, नहीं समझे, आज वर्षा ने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, कई लोग उपवास कर रहे थे, कई लोगों को विकल्प था, चिंता न करो, नहीं समझे, देव लोग और किसी काम में नहीं है, इसी काम के लिए हैं। सभी लोग बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान की आप पर अनुपम कृपा।